हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए मास्टर स्ट्रोक में हम लोग आज क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा है। इससे पहले इस एक्सरसाइज का 2-3 वीडियो अपलोड हो चुका है जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 8 तक के हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे हैं। त्रिकोणमिति का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि 15 नंबर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव लेकर के इसी टॉपिक से फंसने वाला है, त्रिकोणमिति से। इसलिए इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है, सारे एक्सरसाइज को, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है। तो ध्यान से देखिए, समझिए, मैथ्स जो है रटने की चीजें पूरा मैं पलटने वाला हूँ। जो बच्चे का ऐसा सोच है कि त्रिकोणमिति हार्ड है या मैथ हार्ड लगता है, उसको बदल देंगे और इससे इनकार नहीं करना है। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, जिसको कैरियर से है प्यार, जिसको कैरियर से है प्यार, वो भला मैथ्स को कैसे कर सकता है इनकार। बिल्कुल नहीं इनकार करना होगा। यहां पर ध्यान दीजिए और समझिए और कमेंट कीजिए, क्वेश्चन समझे कि 100% समझेंगे, ये मेरा वादा। अब देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, क्योंकि अगर एक कोण 20 समकोण है तो पूरा त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए तो पहले इतना ही पहले कर लेते हैं, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। यदि टेन ए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण था, टेन ए का मान दिया हुआ है 1/3, आराम से समझिए, टेन ए का मान दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें 2 क्वेश्चन है, इसका और इसका वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। हो जाएगा स्टूडेंट्स, चलिए इसको ध्यान से समझिए। पहले हल करते हैं, इसके लिए आपको एक फिगर बनाना होगा। ध्यान से देखिए, हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। चलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इस बात को ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको तो ऐसे करना है, ठीक। अब इसका नाम ऐसा रखना है कि ये बी जो है यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यही एंगल है ना जो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, यही है। और टेन ए, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन ए है तो न्यून कोण ए हुआ, अगर यहाँ पे कॉस सी है तो न्यून कोण सी हो जाएगा, न्यून कोण वहाँ पर बताता है। तो यहाँ पे टेन में ए है तो यहाँ पर मान लेते हैं न्यून कोण, तो नाम रख दीजिए यहाँ पर ए, या एक काम कीजिए ए इसको ले लीजिए, ऐसा रहेगा कोण ए, कोण बी और कोण सी, बहुत अच्छा। ऐसे यहाँ भी ए रख सकते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी, कैसे ही? केवल ये वाला जो है समकोण वो बी ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बन गया। और टेन ए का मान दिया हुआ है तो पहले देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में इस, चलिए बाद में लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, टेन ए बराबर 1/√3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है टेन ए का वैल्यू कितना है, 1/√3 है, तो 1/√3 ले लिए। अब हम आपको पूछेंगे कि टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन ए का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। हमने किसका फॉर्मूला लिखा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेन का फॉर्मूला लिखा लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया 1 और आधार कितना हो गया 3। सामने देखिए, लंब के सामने 1 है और आधार के सामने 3 है, तो लंब 1 है। तो अब ध्यान दीजिए, न्यून कोण क्या है इसमें, ए है, तो न्यून कोण ए है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है। अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो बैक का प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि न्यून कोण चेंज होने के बाद लंब और आधार आपस में अदल बदल जाता है, जबकि कर्ण वही रहता है। इसका यही केमिस्ट्री है, ध्यान से समझिएगा। ये न्यून कोण यहाँ पर ए है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा कौन हो गया बी सी, ये लंब हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा तो ये दिख रहा है, अलग से ही दिख जाएगा कर्ण, और ये जो बच गया वो आधार। तो यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक। अब देखिए आधार कितना 3, तो आधार क्या है इसमें, ये भी आधार है, ये लंब था, तो ये हो गया, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स। चलिए
तो लंब आधार हो गया, तो बच क्या रहा है कर्ण, तो घबराना नहीं है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है, ए सी, सबसे भारी भुजा का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजा यानी लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यह कह रहा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही पाइथागोरस ने बोला था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला पर हम बनाने वाले हैं, ये फॉर्मूला है, इसी को हम लोग अभी यूज करेंगे। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब क्या है, AB, तो AB स्क्वायर, सॉरी लंब इसमें क्या था BC ना, तो यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर, जोड़ आधार क्या है AB, तो यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC, तो BC आपका कितना है, देखिए यहाँ से एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक, और AB, AB कितना है रूट थ्री, ठीक। अब यहां पर देखिए AC स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर, एक रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा थ्री। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, अब स्क्वायर नहीं ना, स्क्वायर किस में बदल गया रूट में, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, और तीन और एक क्या हो जाएगा चार, इसीलिए AC बराबर क्या निकल गया दो, चार का वर्गमूल कितना होगा दो होगा, तो AC निकल गया यहां पर कितना हो गया दो निकल गया। अब हमको लंब आधार और कर्ण सब मालूम हो गया, ठीक है ना, तो आराम से सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे तरीके से पहले उतार लीजिए, क्योंकि स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं है तो बनाने में दिक्कत आएगा, ठीक है ना, तो इसको पहले उतार लीजिए, ठीक है ना। चलिए चलिए, आप कॉपी पर वो उतारे रहिएगा, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए हमने मिटा दिया, क्योंकि अब तीनों हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन कर रहे हैं, यहां आप उसके बाद ही लिखेगा। तो क्या था क्वेश्चन, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही है ना क्वेश्चन, कुछ नहीं एकदम आसान है। यहां पर देखिए साइन ए है, तो न्यून कोण किसको मानेंगे ए को, किसको ए को, तो न्यून कोण ए को मानेंगे, तो लंब क्या हो जाएगा बी सी, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो आराम से, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है दो है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना है एक है, तो यहां पे एक रखेंगे गुने कर्ण है, सॉरी लंब बटा, तो लंब एक है बटा कर्ण, तो कर्ण कितना है दो, तो एक बटे दो, यहां पर ना गुना का साइन है स्टूडेंट्स, यहां पे मल्टीप्लाई है, तो गुने। अब कॉस सी निकालना है, तब न्यून कोण जब इसको लेंगे सी को, तो लंब क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो लंब हो गया ए बी, तो आधार क्या हो जाएगा बी सी, आ कर्ण तो वही रहता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ध्यान से समझिए आधार बटा कर्ण, तो सी के लिए आधार क्या है एक, और बटा में कर्ण है, तो कर्ण तो वही है दो, तो एक बटे दो हो गया, प्लस अब कॉस ए है, अब कॉस के लिए यही है न्यून कोण, तो एक यहाँ पर ए है ना, तो न्यून कोण कॉस के लिए हो जाएगा, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार क्या हो गया रूट थ्री, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो ए के लिए आधार है रूट थ्री, तो आधार और बटा कर्ण क्या चीज दो। फिर यहाँ गुने है साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर देखिए सी के लिए लंब क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, देखिए सी के लिए लंब ए बी, तो यहाँ हो गया लंब रूट थ्री और बटा कर्ण तो वही रहे। सबका वैल्यू कैसे रखे समझ गए स्टूडेंट्स, कि साइन ए का कॉस सी का हमने वैल्यू निकाले रख दिए। अब इसको सिंपली देखिए सॉल्व करेंगे, पहले गुणा का वर्क होता है आप जानते होंगे, तो एक को एक से गुणा करेंगे तो एक और एक क्या होगा एक, और दो दूनी का क्या हो गया चार, प्लस फिर रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे तो ओनली क्या हो जाएगा थ्री, क्योंकि रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे तो रूट अंदर नाइन होगा, और नाइन का वर्गमूल क्या हो जाएगा तीन आ जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा दो दूनी के क्या हो गया चार आ गया, ठीक। अब देखिए भिन्न का जोड़ है, तो चार का लघुत्तम क्या हो जाएगा चार, तो यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस तीन, तो चार बटे चार पूरा कट के आंसर आ गया आपका एक, क्या आ गया एक आ गया, समझ गए होंगे। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते, चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पर बनाते हैं, हो जाएगा इसमें स्टूडेंट।
यहाँ पे कॉस ए है, तो यहाँ पर देखिए कॉस ए का वैल्यू क्या निकाले है, रूट थ्री बाई टू। यही से पता चलेगा, यहाँ बार बार इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आपकी टाइम की बचत होगा। कॉस ए है तो कॉस ए हम निकाले तो रूट थ्री बटे टू, तो यहाँ पर डाल देंगे रूट थ्री बटे टू, और गुने में क्या है कॉस सी है, तो यहाँ पर देखिए कॉस सी का मान क्या लिए थे, एक बटे दो लिए थे, एक बटे दो, यहाँ पर एक बटे दो, समझ रहे हैं ना। ऐसे भी बनाएंगे कॉस ए तो न्यून को ने होगा, तो सामने वाली भुजा लंबाई आधार, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो आधार है रूट थ्री बटा कर्ण, तो रूट थ्री बाई टू वही आ गया ना, यहाँ तो निकाले हुए हैं। तो यही सब तो होता है, दिमाग लगाना होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन ए है, तो साइन ए का मान कितना निकाले थे, एक बटे दो, तो यहाँ पर आ गया एक बटे दो, और गुने में है साइन सी, तो साइन सी का मान क्या निकाले थे, रूट थ्री बाई टू, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, दिख रहा है ना। अब देखिए इसको गुना करेंगे, एक को रूट थ्री से करेंगे तो रूट थ्री या बटे दो दूनी के हो जाएगा चार, यहाँ पर एक को रूट थ्री से करेंगे तो रूट थ्री, यहाँ पर माइनस है क्वेश्चन का, बटा दो दूनी चार। अब यहाँ से चार चार का एलसीएम चार होगा, तो रूट थ्री माइनस हो जाएगा रूट थ्री, तो रूट थ्री में से रूट थ्री जाएगा क्या आ जाएगा जीरो, अब बटे में आ गया चार। और आपको पता है कि जब जीरो में कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भागफल क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो यहाँ पे जीरो आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन, आप मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर नाइन को समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन को उतार लीजिए। और साथ ही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप नए नए स्टूडेंट हैं अगर आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में, जैसा कि आप जानते हैं कभी लॉकडाउन चल रहा और आपका एग्जाम तो होना तय है, तो अगर मैथ्स में अच्छा तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे और मैथ्स में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी चैनल के माध्यम से आपका मॉडल क्वेश्चन और एग्जाम की तैयारी के लिए क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड कैसे तैयारी करना है, वो तमाम जानकारी इसी चैनल के साथ मिलेगा। तो जुड़े रहिए मास्टर स्ट्रोक के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।